यूरिन इनकॉन्टिनेंस यानी लीकिंग ऑफ यूरिन यानी पेशाब का बूंद बूंद हर समय निकलना एक ऐसी समस्या है जो व्यक्ति को बिल्कुल स्वस्थ होते हुए भी पूरा दिन उसका खराब कर देती है, पूरे कपड़े उसके खराब कर देती है और एक अजीब सी चिंता उसके मन में बनी रहती है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही प्रयास करेंगे जो हमारे परिवार और समाज के बड़े बुजुर्ग हैं, हम उनकी समस्या को आसान कर पाएँ, बच्चों की समस्या को आसान कर पाएँ, महिलाओं जिनको खास तौर से यूरिन इनकॉन्टिनेंस बनी रहती है, खांसने पे छींकने पे भी पेशाब आ जाती है, उस समस्या को कम कर पाएँ। लंबा वीडियो है साथियों, लेकिन अगर आप पूरे वीडियो में जुड़े रहेंगे तो आप इस वीडियो से कुछ हासिल करके जाएंगे। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन समस्या यूरिन इनकॉन्टिनेंस की, यानी पेशाब को रोक ना पाना, पेशाब को कंट्रोल ना कर पाना और पेशाब की सडन अर्ज होना और सडन इच्छा होना पेशाब जाने की, टॉयलेट जाने की, और रास्ते में ही यूरिन का लीक कर जाना। ये एक बहुत कष्टदायी कंडीशन है, खास तौर से यह महिलाओं और बुजुर्गों में पाई जाती है और बहुत मरीज इसके हम लोगों के पास आते हैं। तो आज हमने सोचा आपका इसी पे एक वीडियो बना दिया जाए कि शायद ये दवाएं आपको वो मार्गदर्शन दे दें कि आप अपनी यूरिन कॉन्टिनेंस को रोक पाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं कि यूरिन इनकॉन्टिनेंस होता क्या है। यूरिन कॉन्टिनेंस साथियों वह स्थिति होती है कि जब आप अपनी यूरिन को ब्लैडर को एम्प्टी होने से रोक नहीं पाते हैं और इतनी ज़्यादा अर्ज आपको यूरिन जाने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए होती है और रास्ते में ही टॉयलेट निकल जाती है, आप टॉयलेट तक पहुंच नहीं पाते, इसी को यूरिन इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, यानी लीक ऑफ यूरिन जो होता है वह होता है। इसका सबसे बड़ी बात तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है कि जब आपको खांसी आई या छींक आई उस समय यूरिन निकल गई। महिलाओं में मैं देखता हूँ अपने मरीजों में, काफ़ी मरीजों में दिक्कत होती है, लेकिन होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएं साथियों इसको ठीक करने के लिए। इसके सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। सिम्टम इनकॉन्टिनेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप यूरिन को रोक नहीं पाते हो, यूरिन लीक हो जाती है, चाहे खांसी से आए, चाहे छींक से आए, चाहे यूं ही आ जाए, और एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन आ जाती है। कारण की बात कर लेते हैं साथियों। यूरिन इनकॉन्टिनेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है कि जो आपके यूरिनरी ब्लैडर की डेट्रूसर मसल्स होती हैं वह वीक हो जाती हैं। जब आपके डेट्रूसर मसल्स वीक हो जाती हैं तो उससे आपकी यूरिन लीक हो जाती है, यूरिन कंट्रोल नहीं हो पाती और आपके कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। आज हम बताएंगे आपको यूरिन इनकॉन्टिनेंस को ख़त्म करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएँ। दवाएँ बताने से पहले साथियों ये निवेदन करेंगे कि इन दवाओं को आप जानकारी मात्र के हिसाब से सुने लें और किसी कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करा के ही दवा लें। चलते हैं साथियों सफ़र पे, बताते हैं आपको यूरिन इनकॉन्टिनेंस को ठीक करने की, ख़त्म करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। एक स्थिति साथियों आती हो कि आपको चक्कर आते हों और यूरिन लीक कर जाती हो। अगर यह स्थिति हो कि आप बैठे हों, बैठे से उठते हों, आपको वर्टिगो चक्कर आते हों, आपको यूरिन लीक कर जाती हो, अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है सिस्कुटा विरोसा। सिस्कुटा विरोसा 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। यह दवा आपके चक्कर आने की कैफियत को ख़त्म करेगी और उस दौरान जो आपके इनवॉलंटरी यूरिनेशन हो जाता है, लीकिंग ऑफ यूरिन हो जाता है, उसको भी ख़त्म करेगी। साथियों सबसे इम्पॉर्टेंट स्थिति जो यूरिन इनकॉन्टिनेंस की आती है वह आती है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, कि मरीज़ को खांसी आई, छींक आई तो यूरिन निकल गई और कपड़े गंदे हो गए। खास तौर से महिलाओं में दिक्कत वास्तव में बहुत पाई जाती है। तो अगर यह दिक्कत हो साथियों तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में 3 कारगर दवाएँ हैं। पहली दवा है इपिका, दूसरी दवा है कॉस्टिकम और तीसरी दवा है नेट्रम यूरेटिकम। इपिका या इसका पूरा नाम इपिका होना है, इपिका 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले सकते हैं कि जब आपको खांसी आती हो और आपकी यूरिन निकल जाती हो, आप यूरिन को कंट्रोल ना कर पाते हो ब्लैडर को,
तो इपिका बहुत अच्छी दवा है खांसी आने पे यूरिन आने की। दूसरी दवा इस श्रृंखला की आती है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम उस स्थिति में बहुत कारगर दवा है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की, जिस स्थिति में आपको खांसी या छींक आ रही हो और साथ में आपको एक्साइटमेंट हो रहा हो ज़रा सा भी, अगर आप में एक्साइटमेंट पैदा हो रहा हो और आपकी खांसी और छींक आ रही हो या कोई इमोशंस हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की दवा बहुत अच्छी कॉस्टिकम है। आप कॉस्टिकम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके स्ट्रेस कॉन्टिनेंस को उस स्थिति में ठीक करेगी जब आपके यूरिन इनकॉन्टिनेंस अलॉन्ग विथ एक्साइटमेंट एंड कफ है, तो यह बहुत कारगर दवा है। और तीसरी दवा इस श्रृंखला की साथियों है नेट्रम म्यूराटिकम। नेट्रम म्यूर 1 mg पावर की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर आप उस स्थिति में ले सकते हैं कि जब आपको खांसी या छींक आने पर यूरिन आ रही हो और वह चलने पर बढ़ती हो, जब आप अचानक चले तो बहुत तेज आपकी यूरिन आई और फिर आप लीक कर गई, आप उसको रोक नहीं पाए, तो उस स्थिति की बहुत अच्छी दवा नेट्रम म्यूर है। एक स्थिति आती है साथियों जब बच्चे खेलते कूदते हों तो उनके यूरिन का डिस्चार्ज हो जाता हो, तो अगर यह स्थिति हो कि जब बच्चे खेलते कूदते हों तो उनके यूरिन का इन्वॉलेंट्री उनके लीकिंग हो जाती हो, कपड़े उनके गीले रहते हों और जब वो फिर रेस्ट मोड में आते हों तो फिर यह रुक जाता हो, तो अगर यह स्थिति है साथियों तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है फेरम मेटालिकम। आप फेरम मेट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपकी इस परेशानी को ख़त्म करेगी और आपको ठीक करेगी। एक स्थिति साथियों आती है कि मरीज को यूरिन जाने की अर्ज हो और उसको टॉयलेट की सुविधा ना मिल रही हो तो उसकी यूरिन निकल जाए, तो अगर यह स्थिति हो कि आपके अर्ज बहुत ज़्यादा हो रही हो, यूरिन जाने की इच्छा हो रही हो लेकिन आप यूरिनल तक ना पहुंच पा रहे हो, यूरिन निकल जा रही हो, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में 4 बहुत कारगर दवा है। पहली दवा है कैंथेरिस, दूसरी दवा है परेरा ब्रावा, तीसरी दवा है स्टेफिसेग्री और चौथी दवा है सल्फर। कैंथेरिस उस स्थिति में बहुत कारगर दवा है साथियों फ्रीक्वेंट अर्ज की और यूरिन इनकॉन्टिनेंस की, जिस समय आपको हर समय यूरिन जाने की अर्ज होती हो और यूरिन आपके लीक कर जाती हो, तो उस स्थिति की दवा कैंथेरिस है। इसको आप 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, इससे आपको बहुत लाभ होगा। परेरा ब्रावा साथियों उस स्थिति की बहुत अच्छी दवा है जब आपको यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो और साथ में आपको यूरिन तभी होती हो जब आप घुटनों बल बैठ जाते हो, अगर यह स्थिति हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी बहुत कारगर दवा है परेरा ब्रावा। तीसरी बात आती है कि जो न्यूली वेड वुमन है, अभी नई नई शादी हुई है, उनको हर समय पेशाब लग रही हो, तो अगर यह स्थिति हो तो उनको इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है स्टेफिसेग्रिया। आप स्टेफिसेग्रिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपकी यूरिन अर्ज को ख़त्म करेगी अचानक और जो लीकिंग ऑफ यूरिन है इसको ख़त्म करेगी। और चौथी दवा है कि आपको यूरिन की अर्ज हुई और आपको अगर एहसास हो गया कि यूरिनल आपका दूर है, आप घबरा गए तो आपकी यूरिन निकल गई, तो अगर यह स्थिति हो साथी हो तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है सल्फर। आप सल्फर 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं और यह उन मरीजों के लिए बहुत कारगर है जिनको खाने में मीठा बहुत पसंद है, जिनको नहाना बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, जो रात में बहुत देर तक जागते हैं, सुबह उनको पूरा दिन भर उनको नींद आती है, ऐसे लोगों के लिए सल्फर बहुत अच्छी दवा है। वो सल्फर का मरीज़ ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह पाता, उसे बैठने के लिए कुर्सी चेयर या ज़मीन चाहिए, उन सारी स्थितियों में सल्फर बहुत कारगर दवा है। इस तरह साथियों 4 बहुत अच्छी दवाएं हैं, जब आपके अर्ज तो हो रही हो यूरिन जाने की और वो अर्ज के बाद यूरिनल ना मिलने पर, यूरिनल दूर होने पर यूरिन आपके लीक कर रही हो, तो आपकी यह 4 दवाएँ जो हमने बताई, चाहे वह परेरा ब्रावा हो, कैंथेरिस हो, परेरा ब्रावा हो, स्टेफिसेग्रिया और सल्फर हो, यह 4 आपकी बहुत मदद करेंगी। मैं फिर आपको एक बार समअप कर देता हूँ, कैंथेरिस उस स्थिति में बहुत कारगर दवा है जिस समय आपको हर समय यूरिन जाने की अर्ज होती हो, परेरा ब्रावा उस स्थिति में बहुत अच्छी दवा है जब आप घुटने के बल बैठते हो तभी आपको यूरिन होती हो,
स्टेफिस सेग्रिया न्यूली वेड्स जो लेडीज़ होती हैं उनमें यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो रही है उसकी बहुत अच्छी दवा है, और सल्फर आपको एहसास हो जाए कि यूरिनल आपके आसपास नहीं हो यूरिन की आ जाए तो यूरिन लीक हो जाए, इसकी बहुत अच्छी दवा है। एक स्थिति साथियों आती है कि आपने जब पानी को कहीं बहते हुए देखा तो आपकी यूरिन लीक कर गई। बहुत पेशेंट्स में ये भी होता है कि जब वाटर का फ्लो कहीं पे देखा तो आपकी यूरिन लीक कर गई। तो अगर यह स्थिति हो कि आप कहीं वाटर का फ्लो देखते हैं और आपकी यूरिन लीक कर जाती हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है सल्फर। आप सल्फर वनियम की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले लें। आपका ये जो पानी देख कर, जैसे आप टॉयलेट बाथरूम में गए नहाने के लिए गए और आपने पानी नल में गिरते देखा आपको यूरिन लीक होने लगी, तो इन स्थितियों को ठीक करने की दवा है सल्फर। आप इस दवा को लेकर अपनी इस परेशानी को खत्म कर सकते हैं। एक स्थिति साथियों होम्योपैथी में आती है या स्थिति आती है यूरिन इनकॉन्टिनेंस में कि आपको यूरिन का अर्ज हो रही हो लेकिन आपको किन्हीं परिस्थितियों में यूरिन ना हो पा रही हो, और फिर जब आप चल फिर रहे हो या कुछ और कर रहे हो उस समय आपकी यूरिन लीक होती हो, यानी यूरिन हो नहीं पा रही और यूरिन जो हो रही वो लीक होके हो रही है, यह जो स्थिति है इसको यूरिन ओवरफ्लो कहते हैं। होम्योपैथी में इस स्थिति को ठीक करने की बहुत कारगर दवाएं साथियों, या यूँ कहूँ 3 बहुत कारगर दवाएं। पहली दवा है क्लिमैटिस इरेक्टा, दूसरी दवा है स्टेफिस सेग्रिया और तीसरी दवा है जिंजीपर। यह 3 बहुत कारगर दवाएं हैं। पहली स्थिति जो बनती है कि किसी मरीज को यूरिन हो रहा हो फिर अचानक रुक जा रहा हो, फिर उसको यूरिन ना हो रहा हो और फिर वो धीरे धीरे ओवरफ्लो हो रहा हो, तो अगर यह स्थिति हो साथी हो तो स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है क्लिमैटिस इरेक्टा। क्लिमैटिस इरेक्टा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार हर वो मरीज ले सकता है जिसको यूरिन आ रही हो फिर अचानक रुक जा रही हो और फिर उसके बाद हो रही हो यूरिन इनकॉन्टिनेंस के रूप में, तो क्लिमैटिस आपको ठीक करेगी। दूसरी स्थिति वो आती है कि जब आप खड़े हों तभी आपको यूरिन होती हो, बैठ के यूरिन ना होती हो, तो अगर यह स्थिति है कि केवल खड़े होने पे यूरिन हो रही और बैठ के यूरिन नहीं हो रही है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है सरसा पेरिला। आप सरसा पेरिला 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके जो केवल खड़े होने पर आपको यूरिन पास होती है और बैठने पर यूरिन पास नहीं होती है इस स्थिति को कंट्रोल करके आपको ठीक करेगी। और तीसरी कंडीशन जो साथियों आती है वह ये आती है कि आपको यूरिन ड्रॉप्स में ही होता हो यूरिन करने के बाद भी, यानी आपने पूरी पेशाब कर ली उसके बाद भी आपको ड्रॉप ड्रॉप यूरिन आती हो, तो अगर यह स्थिति हो साथी उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है जिंजीबर। आप जिंजीबर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपकी समस्या को ठीक करके आपको राहत देगी। एक साथियों बहुत अजीबोगरीब स्थिति आती है कि आपको प्यास बहुत लग रही है, आपको डर बहुत लग रहा है और यूरिन आपके लीक हो रही है, तो अगर डर से आपकी यूरिन लीक हो रही हो और आपके प्यास बहुत लग रही हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एकोनाइट नेप्लस। आप एकोनाइट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपकी घबराहट को भी ख़त्म करेगी, डर को भी ख़त्म करेगी और उसके कारण जो आपकी यूरिन इनवॉलेंट्री लीक हो रही है फ्राइट से उसको भी ख़त्म करेगी। एक स्थिति साथियों आती है कि नहीं महिलाओं में यूट्रस रिलेटेड ट्रबल हो, बच्चेदानी रिलेटेड ट्रबल हो और उनको यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो, बहुत ही कॉमन समस्या है उनमें ये, तो अगर यह स्थिति हो साथियों कि महिलाओं में यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो रहा हो ड्यू टू यूट्राइन ट्रबल्स, बच्चेदानी में ट्रबल्स के कारण, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में 4 बहुत कारगर दवा है। पहली दवा है लिलियम टिगलिटम, दूसरी दवा है सीपिया, तीसरी दवा है ग्वाइकम और चौथी दवा है सेनिसियो ऑरेंज। लिलियम टिक साथियों उस स्थिति में बहुत कारगर दवा है जब किसी महिला को प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हो रहा हो, जिन महिलाओं को प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हो रहा हो लग रहा हो बच्चेदानी बाहर आ जाएगी, उस स्थिति में आपके यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो रहा हो पेशाब ना रुक रही हो तो उस स्थिति की दवा है लिलियम टिगनम। इसको आप 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं, इससे वह स्थिति ठीक हो जाएगी। दूसरी दवा है सीपिया, सीपिया उस स्थिति में बहुत कारगर दवा है जब आपके यूरिन का इनकॉन्टिनेंस हो रहा हो जिसमें आपको लग रहा हो कि बच्चेदानी बाहर आ जाएगी, साथ में आपके बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो पेन हो रहा हो,
तो उस स्थिति में दवा सीपिया है। तीसरी दवा है ग्वाइकम। ग्वाइकम उस स्थिति में यूरिन इनकॉन्टिनेंस की यूट्राइन रिलेटेड ट्रबल में बहुत कारगर दवा है। जब आपको बहुत ज़्यादा प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस महसूस हो रहा हो, यूरिन करने के बाद आपको पेन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, उस स्थिति में आपकी बहुत कारगर दवा है ग्वाइकम। और चौथी दवा जो है वह है सेनिसियो ऑरेंस। सेनिसियो ऑरेंस उस स्थिति में बहुत कारगर दवा है जब आपके यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो रहा हो, साथ में आपको यूरिनरी ब्लैडर के पास में आपको गर्मी महसूस हो रही हो, जलन महसूस हो रही हो और आपकी यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो, उस स्थिति की बहुत कारगर दवा है साथियों सेनिसियो ऑरेंस। आप इन चारों दवाओं को अपने सिम्टम के हिसाब से रिकलेक्ट करके किसी कुशल चिकित्सक से पूछ के ले सकते हैं। दवाएं चारों बहुत कारगर हैं। मैं समझता हूं मैंने आपको सिम्टम बता दिए, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। लिलियम टी उस स्थिति में बहुत कारगर दवा है जब आपकी यूटरस आपको लग रहा हो बाहर की तरफ आ रही है। सीपिया उस स्थिति में बहुत कारगर दवा है जब प्रोलैप्स ऑफ यूटरस के साथ आपको पेन हो रहा हो। ग्वाइकम उस स्थिति में बहुत कारगर दवा है जब आपकी लग यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो, साथ में आपको जलन महसूस हो रही हो यूरिन में। और या सेनिसियो ऑरेंस बहुत कारगर दवा है जब आपको यूरिन इनकॉन्टिनेंस के साथ साथ आपको गर्मी महसूस हो रही हो यूट्रिन एरिया में, तो यह दवाएं आपकी मदद करेंगी, आपको ठीक करेंगी, या बहुत कारगर दवाएं हैं। एक स्थिति साथियों आती है कि सर्दियाँ आई और यूरिन लीक होती रही। जब मतलब जब सर्दी लगी तब आपकी यूरिन लीक हो रही है, तो अगर यह स्थिति हो कि कोल्ड होने पे, विंटर होने पे आपकी यूरिन लीक कर रही हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कैल्केरिया सल्फ्यूरिकम। आप कैल्केरिया सल्फ 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपकी यूरिन लीकिंग को भी ख़त्म करेगी और आपकी यह जो सर्दी के कारण आपको दिक्कत होती है इसको भी ख़त्म करेगी। पुरुषों में भी स्टीन इनकॉन्टिनेंस की बहुत दिक्कत होती है, तो पुरुषों में अगर यूरिन इनकॉन्टिनेंस की दिक्कत है तो उसको भी ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएं हैं। पहली दवा है ब्राइटाकार्ड, दूसरी दवा है आयोडम और तीसरी दवा है प्रूनस स्पाइनोसा। ब्राइटाकार्ड साथियों उस स्थिति में यूरिन इनकॉन्टिनेंस की पुरुषों में बहुत कारगर दवा है जब उनका प्रोस्टेट बढ़ा हो। अगर आपके बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी BPH है और आपको यूरिन इनकॉन्टिनेंस है, आप पेशाब नहीं रोक पा रहे हैं, तो उस स्थिति के निपटने की दवा है ब्राइटा कार्बोनिकम। आप ब्राइटा कार्ब 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। यह दवा आपकी यूरिन फ्लो को भी कंट्रोल करेगी, आपके प्रोस्टेट को भी ठीक करने की यह हेड रेमेडी है। दूसरी दवा आती है इस कंडीशन की आयोडम। आयोडम उस स्थिति में बहुत कारगर दवा है साथियों जब आपके टेस्टिकल्स में बहुत पेन हो रहा हो, टेस्टिस में बहुत पेन हो रहा हो, अंडकोश में बहुत दर्द हो रहा हो और आपकी यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो, जहाँ पे ट्विस्टिंग एंड टर्निंग ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड हो, उन स्थितियों में आयोडम बहुत अच्छी दवा है। इसकी 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली आप मरीज को दे सकते हैं। उनका यूरिन इनकॉन्टिनेंस भी ख़त्म होगा और टेस्टिस का पेन भी ख़त्म होगा। और तीसरी दवा इसी श्रृंखला की आती है प्रूनस स्पाइनोसा। प्रूनस स्पाइनोसा उस स्थिति की बहुत कारगर दवा है कि जब पुरुषों को लगता हो उनकी यूरिन आई, उनकी यूरिन लीक हो रही है, लेकिन वो लीक ना हो के वो पेनिस के आगे वाले पोर्शन तक, ग्लांस पेनिस तक जाती हो, फिर वापस आ जाती हो, तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है पुरुषों में प्रूनस स्पाइनोसा। इसको आप 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कारगर दवा है। इस तरह हमने पुरुषों के लिए 3 दवा बताई। पहली दवा ब्राइटाकार्ब जो कि आपका प्रोस्टेट अगर एनलार्ज है उस स्थिति में बहुत काम करती है। दूसरी दवा आयोडम उस स्थिति में जब आपके टेस्टिकुलर पेन हो और स्पर्मेटिक कॉर्ड का ट्विस्ट और ट्विल्स हो। और तीसरी दवा प्रूनस स्पाइनोसा जब आपकी यूरिन ग्लांस पेनिस तक आती हो फिर वापस चली जाती हो और आपको हर समय महसूस होता हो आपको यूरिन कॉन्टिनेंस हो रहा है, उन स्थितियों में दवाएँ बहुत कारगर हैं, आप इन दवाओं को ले सकते हैं। एक स्थिति साथियों आती है कि आप जब चलते हो तो आपकी यूरिन लीक होती रहती हो, तो अगर यह स्थिति हो कि आप वॉक करते हो और आपकी यूरिन लीक होती रहती हो, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एंथ्रासेनम। आप एंथ्रासेनम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपकी जो वॉकिंग के दौरान यूरिन की लीकिंग है उसको ख़त्म करेगी और आपको ठीक करेगी। यूरिन इनकॉन्टिनेंस साथियों इससे हमारे समाज के, परिवार के बुजुर्ग लोग बहुत परेशान रहते हैं,
तो अगर बुजुर्ग लोगों में यूरिन इनकॉन्टिनेंस है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएं हैं। पहली दवा है एलुमिना, दूसरी दवा है अल्फा अल्फा और तीसरी दवा है सिकेल कॉर्नेटम। एलुमिना सबसे बेहतरीन दवा है पुरुषों में यूरिन इनकॉन्टिनेंस को ठीक करने के लिए, बुजुर्गों में यूरिन इनकॉन्टिनेंस को ठीक करने के लिए। अगर एल्डरली पीपल में यूरिन इनकॉन्टिनेंस है, पेशाब वो नहीं रोक पा रहे हैं, तो आप दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं एलुमिना की 200 पावर में। यह दवा आपके यूरिन इनकॉन्टिनेंस को रोकेगी। इसी श्रृंखला की दूसरी दवा आती है अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा उस स्थिति में कारगर है जब आपकी किडनी प्रेशर एग्जर्ट ही नहीं कर पा रही, जोर ही नहीं लग पा रहा, आपको लग रहा है किडनी वर्क ही नहीं कर रही है और बस यूरिन अपना जब तक बूंद बूंद निकली जा रही है, वह स्थिति हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी बहुत कारगर दवा है अल्फा अल्फा। और तीसरी स्थिति बनती है सिकेल कॉर्नेटम की, यह 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार उस स्थिति में बहुत कारगर है जब आपके ब्लैडर में कभी पैरालिसिस हुआ हो, तो यह दवा आपके उस पैरालिसिस को ख़त्म करेगी यूरिन यूरिनरी ब्लैडर के और आपके यूरिन इनकॉन्टिनेंस को रोकेगी। एक स्थिति साथियों आती है बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है और आपके यूरिन लीक कर रही है, यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, तो अगर यह स्थिति हो कि आपके बहुत तेज हेडेक हो रहा हो और आपके यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो रही हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है जलसीमियम सेमी परवाइनम। आप जलसीमियम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह दवा आपके यूरिन लीक को भी ख़त्म करेगी और आपको ठीक करेगी। फिर स्थिति आती है साथियों बच्चों की। बच्चों में अगर यूरिन कॉन्टिनेंस है, अगर बच्चों में यूरिन कॉन्टिनेंस है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है इक्विसिटम सिना और क्रियोजोट। इक्विसिटम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार उस स्थिति में बहुत कारगर है जब बच्चा रात में बिस्तर गीला कर देता हो, तो इक्विसिटम ऑटमनेल आप दे सकते हैं 30 पावर में दो दो बूंद, यह उसकी यूरिन इनकॉन्टिनेंस को रोकेगी। सिना 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार उस स्थिति में बहुत कारगर है जब बच्चे के वर्म मैनिफेस्टेशन है, बच्चे के कीड़े हैं, बच्चा रात में घबराता है, तो सिना बहुत कारगर दवा है यूरिन इनकॉन्टिनेंस को ठीक करने की। और तीसरी दवा जो है वह है क्रियोजोट। क्रियोजोट उस स्थिति में बहुत कारगर है कि बच्चा इतनी गहरी नींद में सो रहा है कि रात में यूरिन करके भी वो गीले बिस्तर पर पड़ा रहता है, वो तब भी नहीं उठता है, उस स्थिति में क्रियोजोट बहुत कारगर दवा है आपके बच्चे के यूरिन इनकॉन्टिनेंस को ठीक करने के लिए। यदि साथियों किसी के रात के पहले हिस्से में यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो रही है, लीकिंग ऑफ यूरिन हो रही है, तो उस स्थिति को स्पेसिफिक ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है कॉस्टिकम। आप कॉस्टिकम 30 पावर में दो दो बूंद हर उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपको रात के पहले पार्ट में यूरिन लीक कर जाती हो, तो कॉस्टिकम आपको लाभ देके आपकी इस कैफियत को ख़त्म करेगी। ये कुछ दवाएं थी साथियों इनवॉलेंट्री यूरिनेशन की, लीकिंग यूरिन इनकॉन्टिनेंस की, यूरिन लीक करने की। बहुत ही एम्बेरेसिंग कंडीशन होती है ये और उम्मीद करते हैं वीडियो आपकी मदद करेगा। इसमें जो दवाएं बताई गई साथियों बहुत कारगर है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये दवाएं आप जानकारी मात्र के लिए रखें। मेरा प्रयास है कि आपकी परेशानी इन दवाओं से कम हो, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लें। मन में कोई क्वेरी हो साथियों तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें, हम प्रयास करेंगे आपकी बात का जवाब दे सकें। व्हाट्सएप नंबर नोटिफिकेशन पैनल में दिया हुआ है। साथियों लंबा वीडियो था, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, उसकी एडिटिंग में मेहनत लगती है, मैं खुद करता हूँ। आपसे निवेदन ये करूँगा कि अगर आपको वीडियो समाज के लिए बेहतर लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करते के साथ साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके हमारे साथ यूँ ही खड़े रहिएगा जैसे आप हमेशा खड़े रहते हैं। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आपका साथियों हमारे साथ इतनी देर इस लंबे से वीडियो में रहने के लिए, इतने वक्त के आधे घंटे के वीडियो में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।